Hello students, I welcome to online classes. Today I'm going to teach civics. My topic is the Prime Minister and the Councils of Ministers. Prime Ministers and Councils of Ministers. So first we will discuss how to appoint Prime Ministers and Councils of Ministers. So the leaders of the majority party is generally elected as the PM by the अब जब लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उस पार्टी के मेंबर्स चुने हुए MP वो अपने में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर्स या पार्टी लीडर चूज करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो मेजोरिटी पार्टी जीते हुए जो मेजोरिटी पार्टी है उनके लीडर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करते हैं PM बनने के लिए। उसके बाद उनका प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट जो है ओथ दिलवाते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट On the advice of PM, the minister is also appointed by the president. The prime minister, as you know, prime minister is the real head of the executive, real head of the state. The prime minister अपने काम करने के लिए कुछ ministers को भी रखते हैं। तो prime minister की सलाह पर president of India उस जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाते हैं या मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सो ऑन द एडवाइस ऑफ द PM द मिनिस्टर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस होती है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बेस पे ही प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को भी ओथ दिलवाते हैं, उनका शपथ ग्रहण होता है, उन्हें अपॉइंट करते हैं। नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बी मेड अ कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा का इलेक्शन या राज्यसभा का इलेक्शन जीते हुए, अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं तब भी मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। हाँ, उसके लिए कंडीशन ये है कि मिनिस्टर बनने के बाद विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर में आपको लोकसभा या राज्यसभा से मेंबर बनना पड़ेगा। या तो लोकसभा का इलेक्शन आपको कॉन्टेस्ट करना होगा या राज्यसभा का, यानी विद इन 6 मंथ में आपको दोनों में से किसी एक की मेंबरशिप लेनी होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? सो बीइंग द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन इंटरवीन एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, क्योंकि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स उनके हेड होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स को ये पावर है कि पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें वो इंटरवीन कर सकते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा। अगर जब एक बार सरकार बनती है 5 साल के लिए, लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो उसको बीच में भी डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने का, जो 5 साल का ड्यूरेशन है उसको 2 साल में 3 साल में बीच में ही भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस ज़रूरी है। Next, the Prime Minister act as a chain between the councils of minister and president. Prime Minister एक कड़ी है council of minister और president के बीच में, दोनों के बीच में ये बहुत important role play करते हैं। Next, all appointments are made by the president in consultation with the prime minister. As you have studied earlier, presidents have power to appoint many members
किसी भी क्षेत्र में किसी को अपॉइंट्स करना होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जजेस का अपॉइंटमेंट हो या किसी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हो या फॉरेन कंट्रीज में यहाँ से कोई ऑफिसर्स को वहाँ अपॉइंट किया जा रहा है तो वो सब जो जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं उन सब का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और इस अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। सो नेक्स्ट द पीएम आल्सो एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग द पार्लियामेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप एक समन दीजिए पार्लियामेंट, अगर सेशन पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप पार्लियामेंट के सेशन को बुलाइए, पार्लियामेंट के सेशन करवाइए। और किसी तरह का इमरजेंसी, अगले वे हम डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, उन इमरजेंसी में किसी भी तरह के इमरजेंसी को लागू कराना है तो प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट कर सकते हैं इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो व्हाट इज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर? द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। तो अब हम देखेंगे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, कुछ प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर्स होते हैं काम करने के लिए जिसको काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, और ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड डिप्टी मिनिस्टर। सो वन बाई वन विल एक्सप्लेन व्हाट इज कैबिनेट मिनिस्टर। क्या टॉप टियर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर जो है, ये तीनों मिनिस्ट्री में सबसे टॉप के होते हैं, सबसे टॉप टियर के मिनिस्टर्स हैं। ये मेन मेन मिनिस्ट्री इन लोगों के हाथ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, दीज आर द टॉप टियर मिनिस्ट्री। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके ये मीटिंग में, कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो उसमें वो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, होल्डिंग इंडिविजुअल चार्जेस एंड नॉट हैविंग इंडिविजुअल चार्जेस। किस कोई भी पार्टी सरकार बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर अपने काम करने के लिए और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो उसमें मिनिस्टर में तीन कैटेगरी के होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में इनको पोर्टफोलियो दिया जाता है, पोर्टफोलियो। अब वो पोर्टफोलियो यानी जो मिनिस्ट्री है, जो भी जैसे चार्टर्ड मिनिस्ट्री है उनके पास एजुकेशन का पोर्टफोलियो होता है, डिफेंस मिनिस्टर उनके पास फौज से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड सारा उनके पास जिम्मेदारी होती है, तो वो उनको जिम्मेदारी दी जाती है कैबिनेट मिनिस्टर को। इसी तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसके भी दो पार्ट हैं, होल्डिंग इंडिविजुअल चार्जेस एंड नॉट हैविंग। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के पास भी कुछ पोर्टफोलियो होता है, इनके पास भी डिपार्टमेंट होता है, ये भी अपना सेपरेट वर्क करते हैं। यानी छोटे छोटे टॉप रैंक का जो मिनिस्ट्री है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है, जो टॉप जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जैसे रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री, ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास है। और उसके बाद छोटे छोटे फूड मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सब कुछ छोटे मिनिस्ट्री जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर में आते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर में भी जो होल्डिंग इंडिविजुअल चार्जेस वो लोग होते हैं, इसमें एक ग्रुप है नॉट हैविंग इंडिविजुअल चार्जेस, इनके पास कोई अपनी मिनिस्ट्री नहीं है। मानी इसमें और इसमें फर्क क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट होता है, ये मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्ट्री के मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट की मीटिंग में, इनके पास सेपरेट डिपार्टमेंट तो होता है लेकिन ये कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये जो सेकेंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट में नॉट हैविंग इंडिविजुअल चार्ज, ये जो है ये इनके पास अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में
काम करते हैं who not having individual charges. And third type of ministry is deputy ministers. Deputy ministers जो हैं ये इनके पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है. ये वर्क करते हैं अंडर कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दोनों के अंडर में ये काम कर सकते हैं. इनका काम क्या है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो भी वर्क इनको असाइन कर देंगे, डिप्टी मिनिस्टर को वही काम करेंगे. सो आई होप इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट वी कम टू द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब देखिए मिनिस्ट्री जो है कितना होगा, कितना परसेंट होगा, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा कि मिनिस्टर्स कितना बना सकते हैं, कितने लोगों को मिनिस्टर बना सकते हैं, तो ये क्लियर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है. लेकिन 91st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 91st अमेंडमेंट लॉ था 2003 में, उसमें ये एक प्रोविजन लाया गया कि क्या लाया गया, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 15% का जिक्र नहीं है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक प्रोविजन लाया गया है कि लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% मिनिस्टर बन सकते हैं. अब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा का क्या मतलब है, 545. सो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा का कितना है, 545. तो 545 का 50% ही मिनिस्टर बन सकते हैं. इसका जो 15% आएगा इतने ही लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस.